हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में लोग कर रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 25 का ए। बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक हम क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 12th आरएस अग्रवाल वेक्टर के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट फोर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लेनर। ये क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो कहता है दिखाइए कि ये क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करना है, पहले इसको क्या मानेंगे, पोजिशन वैक्टर सब लिख लेते हैं। पहले जो पहला वाला है इसको मानेंगे पोजिशन वैक्टर ए, इसको मानेंगे पोजिशन वैक्टर बी, इसको पोजिशन वैक्टर सी, और ये हो जाएगा हमारा पोजिशन वैक्टर ऑफ डी। यहाँ लिखिए पोजिशन वैक्टर ऑफ ए कितना है, फर्स्ट वाला देखो यहाँ 6i-7j, तो 6i-7j ठीक है। अब दूसरा वाला है उसको मानिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा, बोलो ये वाला 16i-19j-4k। यहाँ लिखेंगे 16i-19j और -4k ठीक है। इस वाले वेक्टर को मानेंगे सी, यहाँ हो जाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना दिया है, 3j-6k, 3j-6k राइट। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना दिया है, 2i-, इसमें सी में j है, जी आई नहीं है ठीक है। यहाँ पर 2i-5j अब प्लस कितना 10k। चलो इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी वैक्टर, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे, बोलो पीछे वाले में से आगे घटाते क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आ जाओ बी का पोजीशन वेक्टर 16i-19j और माइनस कितना 4k, माइनस ए करेंगे, ए को माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा -6i और ये हो जाएगा प्लस कितना 7j ठीक है। 16i में से 6i गया तो कितना हो जाएगा 10i, 19-19j प्लस कितना 10 प्लस 7j कितना हो जाएगा 12j। यहाँ पर हो जाएगा -4k क्योंकि इधर k नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। ये निकला हमारे पास ए बी वैक्टर ठीक है। अब हमें निकालना है कौन सा, ए सी वैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे लोग घटाएंगे तो क्या लिखते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। तो सी का पोजिशन वैक्टर क्या है, कहाँ गया, 3j-6k, तो यहाँ लिखिए 3j-6k, ए को माइनस करना है ना, तो ये होगा -6i और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कितना है इधर से 7j। तो यहाँ हो जाएगा -6i को पहले लिखिए, 3j और प्लस 7j कितना हो जाएगा 10j, माइनस कितना है इधर 6k, ये निकला हमारे पास ac ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ad वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, d में से a को घटाएंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा ए, डी में से ए को घटाओ, डी कहाँ है, 2i-5j-10k, 2i-5j-10k, ए को माइनस करेंगे या -6i+7j, -6i+7j, 2i में से 6i गया तो माइनस कितना हो जाएगा 4i-5+7, तो प्लस कितना 2j, यहाँ माइनस कितना इधर से 10k, ए रहा हमारा ए डी वेक्टर ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोलो बोलो, कोप्लेनर दिखाना है ना, तो कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन है, ए बी ए सी और ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए बी वेक्टर, उसके बाद ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ लिखाएंगे हम कौन सा, डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ए बी, ए बी कहाँ है, यहाँ, तो क्या हो जाएगा 10-12 और -4। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 10-12 उसके बाद कितना इधर -4 ठीक है। ए सी लिखेंगे तो ए सी कहाँ है, -6+10 और यहाँ पर हो जाएगा फिर से -6 ठीक है। यहाँ पर ए डी -4i उसके बाद +2j, तो सिर्फ -4 होगा ना, अब यहाँ पर +2, यहाँ -10 हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब क्या, एक मिनट, +10 के
ये वाला में गड़बड़ है, एडी 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 को चेक करो, एडी को ए डी डी में से ए को घटाएंगे तो डी कहाँ है आपके पास, ये है डी है प्लस ना जी, ए डी प्लस है, ये हो जाएगा यहाँ पर जाएगा प्लस, ठीक है ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो 10 लेंगे, 10 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दो, यहाँ कितना होगा 100, और यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 12, बीच में यहाँ माइनस लेते हैं फिर ये वाला टर्म, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 12, फिर ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस 60, बीच में माइनस होता है 6 इंटू सॉरी 4 माइनस 4 इंटू माइनस 6 कितना 24, ठीक है। अब माइनस 4 लेंगे तो सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 12, और माइनस इधर से कितना है इधर से 14, ठीक है। अरे हो जाएगा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ 12 यहाँ हो जाएगा प्लस 40, प्लस 40 ना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना 112 इसको ऐड करेंगे, प्लस 12 लेंगे तो इधर से कितना हो जाएगा माइनस 84, और माइनस 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो इधर 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा 1120, माइनस इधर से कितना इतना हो जाएगा, और यहाँ पर 8 चौका 32, ठीक है, 4 × 8 = 3 = 11 111, तो इसको दोनों को माइनस करो इधर से तो कितना हो जाएगा 8 × 2 = 10, और 1 × 1 = 2 यहाँ पर से, फिर ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, कट के कितना हो गया 0, यहाँ पर क्या निकाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेंस गिवन पॉइंट्स आर क्या कोप्लानर, कोप्लानर यही प्रूव करना था, हो गया समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द 4 पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लानर, मतलब ये कोप्लेनर होगा, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है, तो 4 पॉइंट दिया है तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी ए सी और ए डी, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0, को साथ में लेके चलेंगे तब लेमडा का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कहता है क्वेश्चन में कोप्लेनर है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, या ऐसे सोचो कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये कोप्लेनर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सोल्यूशन, ठीक है, पहला वाला जो वेक्टर है इसको मानिए आप पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा ए, कितना होगा आई प्लस टू जे प्लस 3 के, उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा 3i माइनस जे प्लस 2 के, ठीक है, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी थर्ड वाले को तो माइनस 2i प्लस लैम्डा जे अब प्लस के, राइट, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना हो जाएगा लास्ट वाला कितना है 6i माइनस 4j अब प्लस 2k, राइट, ठीक है यहां तक। चलो अब हमें क्या निकालना है ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से एक को घटाएंगे, देखो सब में ये लाइन लिखते हैं तो ये लाइन आप खुद से लिख लेना, ठीक है, अब क्या करते हैं बी में से एक को घटाना है तो पहले बी वाले को लिखिए, तो 3i माइनस कितना जे अब प्लस कितना 2k, राइट, यहाँ माइनस करेंगे ए को तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई माइनस 2j माइनस इधर से कितना 3k, राइट, यहाँ पर हो जाएगा 3i में से 2i गया कितना बचा माइनस करेंगे सॉरी 2i माइनस j माइनस 2j तो माइनस 3j प्लस 2k माइनस 3k तो माइनस k, ये रहा हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है। फिर निकालेंगे हम ए सी, सी में से ए को माइनस करना है तो सी को लिखिए माइनस 2i प्लस लैम्डा जे अब प्लस के, राइट, ए को माइनस करना है तो सब माइनस हो जाएगा ये वाला, तो माइनस आई माइनस 2j अब माइनस कितना इधर 3k, माइनस 2i में से माइनस आई होगा तो माइनस 3i उसका लैम्डा माइनस 2j, यहाँ माइनस 3k प्लस 2k तो माइनस 2k, ये रहा हमारा कौन सा ac, ठीक है। अब क्या निकालेंगे ad वेक्टर, डी में से ए को माइनस करना है तो डी हो गया यहाँ माइनस 2i
सॉरी सॉरी डी यहाँ पर है, डी 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 वेक्टर, वेक्टर डी 6i माइनस कितना 4j प्लस 2k, ए को माइनस करना है तो i माइनस 2j माइनस कितना इधर 3k, चलो 6i में से i गया तो कितना बचा इधर 5i, माइनस 4j माइनस 2j तो माइनस 6j, प्लस 2k माइनस 3k तो माइनस k, ये क्या निकला हमारे पास ए डी वेक्टर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब क्या करेंगे ए बी ए सी और ए डी का स्केलर प्रोडक्ट जीरो देगा, यहाँ लिखेंगे ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है ए बी ए सी और कौन सा इधर ए डी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा जीरो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर का साइन है। अब आ जाओ ए बी, तो ए बी सबका क्या लेते हैं कोफिशियंट, मतलब जो नंबर होगा क्या है 2 - 3 - 1, तो यहाँ पहले लिखे 2 - 3 इधर है -1, ए सी, ए सी का है -3i तो यहाँ लिखेंगे -3, उसके बाद लेमडा -2 तो लेमडा -2, उसके बाद -2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 5 - 6 - 1 तो 5 - 6 इधर हो गया -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लेंगे तो देखिए सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा -λ अब +2, बीच में माइनस होता है तो -6 - 2 + 12, अरे हो जाएगा, बीच में -3 लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी -3 है, यहाँ पहले से माइनस होता है तो -3, सामने वाले को ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, -3 - -1 कितना +3, बीच में माइनस लेंगे 5 - -2 कितना हो जाएगा +10, अब -1 लेंगे तो सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, अब बीच में माइनस होता है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5λ, यहाँ पर -10, अब बीच में माइनस माइनस कितना हो जाएगा +10 = 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ -λ - 10 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो +3 * कितना 39, -1 है इधर 18 + 10 = 28 - 5λ = 0, अब इसको माइनस करोगे तो -2λ - 20, यहाँ 13 ना होगा, यहाँ हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई 39, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -28 + 5λ = 0, -2λ + 5λ तो 3λ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया कितना बोलो बोलो 39 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 48, तो 48 में से इस दोनों को माइनस करोगे तो -48 + 39 = 0। ठीक है, अब इधर इसको लिखते हैं, देखो यहाँ 3λ, 48 में से 39 गया कितना बचा -9 = 0, तो 3λ = कितना 9, 3 से कट गया, सॉरी हाँ 9 कट गया तो λ = कितना 3, तो लेमडा का वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या निकला 3 निकला। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द 4 पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर दिस वन आर कोप्लेनर, मतलब ये कोप्लेनर होगा, पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है तो हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है, तो 4 पॉइंट दिया है तो पहले क्या निकालेंगे ए बी ए सी और ए डी, इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0, को साथ में लेके चलेंगे तब लेमडा का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कहता है क्वेश्चन में कोप्लेनर है तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, या ऐसे सोचो कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये कोप्लेनर होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन। ठीक है, पहला वाला जो वेक्टर है इसको मानिए आप पोजिशन वेक्टर ऑफ कौन सा ए, कितना होगा i + 2j + 3k, उसके बाद पोजिशन वेक्टर ऑफ बी कितना होगा 3i - j + 2k। ठीक है, फिर पोजिशन वेक्टर ऑफ सी थर्ड वाले को तो -2i + λj + k, राइट, फिर पोजिशन वेक्टर ऑफ डी कितना हो जाएगा, लास्ट वाला कितना है 6i - 4j + 2k, राइट। ठीक है, यहाँ तक चलो, अब हमें क्या निकालना है ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे बोलो, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी में से एक को घटाएंगे, सब में ये लाइन लिखते हैं तो ये लाइन आप खुद से लिख लेना। ठीक है, अब क्या करते हैं बी में से एक को घटाना है,
तो पहले b वाले को लिखिए, तो 3i आई माइनस कितना j और प्लस कितना 2k, राइट। यहाँ माइनस करेंगे a को तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस i माइनस 2j माइनस इधर से कितना 3k, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 3i में से 2i गया, कितना बचा माइनस करेंगे, सॉरी 2i माइनस j माइनस 2j तो माइनस 3j प्लस 2k माइनस 3k तो माइनस k। ये रहा हमारा ए बी वैक्टर, ठीक है। फिर निकालेंगे हम ए सी, सी में से ए को माइनस करना है तो सी को लिखिए माइनस टू आई प्लस लैमडा जे अब प्लस के, राइट। ए को माइनस करना है तो सब माइनस हो जाएगा ये वाला, तो माइनस आई माइनस टू जे अब माइनस कितना इधर थ्री के, माइनस टू आई में से माइनस आई होगा तो माइनस थ्री आई उसका लैमडा माइनस टू जे, यहाँ माइनस थ्री के प्लस टू के तो माइनस टू के। ये रहा हमारा कौन सा ए सी, ठीक है। अब क्या निकालेंगे ए डी वेक्टर, डी में से ए को माइनस करना था, डी हो गया यहाँ माइनस टू आई, सॉरी सॉरी डी यहाँ पर है, डी 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 वेक्टर, वेक्टर डी सिक्स आई माइनस कितना फोर जे प्लस टू के, ए को माइनस करना है तो i माइनस टू जे माइनस कितना इधर थ्री के, चलो सिक्स आई में से i गया तो कितना बचा इधर फाइव आई माइनस फोर जे माइनस टू जे तो माइनस सिक्स जे प्लस टू के माइनस थ्री के तो माइनस के। ये क्या निकला हमारे पास ए डी वेक्टर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब क्या करेंगे ए बी ए सी और ए डी का स्केलर प्रोडक्ट जीरो देगा। यहाँ लिखेंगे ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है ए बी ए सी और कौन सा इधर ए डी, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा जीरो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये वेक्टर का साइन है। अब आ जाओ ए बी, तो ए बी सबका क्या लेते हैं कोफिशियंट, मतलब जो नंबर होगा क्या है टू माइनस थ्री माइनस वन, तो यहाँ पहले लिखिए टू माइनस थ्री इधर है माइनस वन। ए सी, ए सी का है माइनस थ्री आई तो यहाँ लिखेंगे माइनस थ्री, उसके बाद लेमडा माइनस टू तो लेमडा माइनस टू, उसके बाद माइनस टू यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, तो फाइव माइनस सिक्स इधर हो गया माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो टू लेंगे, तो देखिए सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस लेमडा अब प्लस टू, बीच में माइनस होता है तो माइनस सिक्स माइनस टू प्लस ट्वेल्व, अरे हो जाएगा। बीच में माइनस थ्री लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस थ्री है, यहाँ पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस थ्री। सामने वाले को ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस थ्री इंटू माइनस वन कितना प्लस थ्री, बीच में माइनस लेंगे फाइव इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा प्लस टेन। अब माइनस वन लेंगे तो सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एटीन, अब बीच में माइनस होता है तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव लेमडा, यहाँ पर माइनस टेन, अब बीच में माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस टेन इज्क्वल्स टू जीरो। यहाँ कितना हो जाएगा टू, यहाँ माइनस लेमडा माइनस टेन हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो प्लस थ्री इंटू कितना थर्टी नाइन, माइनस वन है इधर एटीन प्लस टेन ट्वेंटी एट माइनस फाइव लेमडा इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको माइनस करोगे तो माइनस टू लेमडा माइनस ट्वेंटी, सॉरी यहाँ थर्टीन ना होगा, यहाँ हो जाएगा कितना इसको मल्टीप्लाई थर्टी नाइन, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस ट्वेंटी एट प्लस कितना फाइव लेमडा बराबर जीरो, माइनस टू लेमडा फाइव प्लस फाइव लेमडा तो थ्री लेमडा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया कितना बोलो बोलो थर्टी नाइन और यहाँ पर हो जाएगा कितना फोर्टी एट, तो फोर्टी एट में से इस दोनों को माइनस करोगे तो माइनस फोर्टी एट प्लस कितना थर्टी नाइन बराबर जीरो, ठीक है। अब इधर इसको लिखते हैं, देखो यहाँ थ्री लेमडा 48 में से 39 गया कितना बचा माइनस नाइन बराबर जीरो, तो थ्री लेमडा इज कस्टू कितना नाइन, थ्री से कट गया सॉरी हाँ नाइन कट गया तो लेमडा इज कस्टू कितना थ्री, तो लेमडा का वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या निकला थ्री निकला, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब सेम है जैसे हम लोग अभी ट्वेल्थ किए हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन है थर्टीन नंबर, इसमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर आपका चेंज है। इसमें भी हमें क्या कह रहा है लैम्डा का वैल्यू निकालिए कब, जब ये चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा को प्लानर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या सोल्यूशन, जो पहला वैक्टर है इसको मानेंगे पोजिशन वैक्टर, ए ये होगा बी ये हो गया सी ये हो गया डी,
यहां लिखेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो कितना माइनस जे प्लस के, याद रखो यहां माइनस जे है आई नहीं है। उसके बाद दूसरा लिखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, कितना टू आई माइनस जे माइनस के, राइट। अब पोजिशन वेक्टर ऑफ सी कितना आई प्लस लैम्डा जे प्लस कितना इधर से के। उसके बाद पोजिशन वेक्टर ऑफ डी कितना होगा थ्री जे प्लस कितना इधर थ्री के, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम लोग ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करना है, क्या लिखेंगे टू आई माइनस जे माइनस के, ए को माइनस करोगे तो ए माइनस वाला प्लस अब प्लस वाला माइनस, तो प्लस माइनस कट गया तो टू आई अब माइनस इधर से कितना टू के, आई माइनस के टू के हो जाएगा ना जी, ये निकला हमारा ए बी। फिर क्या लिखेंगे हम लोग ए सी वेक्टर, तो सी में से ए को माइनस करो, c का वैल्यू कितना i प्लस लैम्डा j प्लस कितना k माइनस a, तो यहाँ हो जाएगा प्लस j माइनस k, प्लस माइनस कट गया तो i प्लस यहाँ से लैम्डा कॉमन, j कॉमन हो जाएगा तो लैम्डा प्लस वन इन टू j हो जाएगा, ये क्या निकला हमारा ए सी। अब क्या निकालेंगे हम लोग ए डी वैक्टर, d में से a को माइनस करना है तो d कितना है थ्री j प्लस थ्री के, माइनस करेंगे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कितना माइनस के, थ्री जे प्लस जे कितना हो जाएगा फोर जे थ्री के माइनस के, तो कितना हो जाएगा प्लस टू के, ये क्या निकला हमारा ए डी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या लिखेंगे बोलो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि ए बी वेक्टर, उसके बाद कौन सा ए सी और कौन सा ए डी, आर क्या कोप्लेनर, ये कोप्लेनर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, तो सीधे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर दो ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं इसको, सॉरी कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, कैसे डिटरमिनेंट मेथड। ए बी, ए बी देखिए क्या है, ए बी के साथ टू है माइनस टू के, यहाँ पहले टू लिखिए बीच में जी होता है, यहाँ जीरो यहाँ माइनस टू के टू, यहाँ पर आई के साथ कोफिशियंट वन है तो यहाँ वन लेंगे, जे के साथ लैम्डा प्लस वन है तो यहाँ आप लैम्डा प्लस वन लिखिए, के नहीं है तो यहाँ जीरो दीजिए, ठीक है। अब आइए ए डी में, तो फोर फोर जे, तो आई नहीं है तो पहले जीरो, उसके बाद फोर है तो ये यहाँ बीच में जे और यहाँ पर लास्ट वाला में टू, ठीक है। चलो टू लेंगे तो टू के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दिए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू लेमडा प्लस टू, बीच में ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो फोर इंटू जीरो, माइनस जीरो लेंगे तो इसके बाद कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करते हैं माइनस टू, तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, फोर इंटू वन फोर, यहाँ जीरो इंटू दिस वन कितना माइनस जीरो, अब बराबर कितना इधर जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा देखो टू इंटू टू लेमडा प्लस टू यहाँ हो जाएगा, यहाँ टू इंटू कितना फोर बराबर जीरो, यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो फोर लेमडा प्लस फोर माइनस एट बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहा प्लस फोर लेमडा और यहाँ पर 4 माइनस एट कितना माइनस फोर बराबर जीरो, तो 4 लेमडा बराबर कितना 1, सॉरी 4 कट गया तो लेमडा का वैल्यू कितना निकला इधर से 1 निकला, यही आपके पास आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग वेक्टर मेथड शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। इस बार क्या किया है कि पॉइंट के फॉर्म में दिया है, वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पॉइंट दिया रहता है तो उससे पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, मतलब ए का लिखना है तो ए में क्या करेंगे, पहले वाले में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आई प्लस देंगे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में जे से तो फाइव जे, इधर प्लस वन है क्या हो जाएगा प्लस के, माइनस है तो यहाँ पर होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में आई, दूसरे वाले में जे, तीसरे वाले में के से, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए कितना है फोर, तो यहाँ पहले में फोर आई प्लस कितना है फाइव, तो दूसरे वाले में फाइव में जे से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में कितना है इधर वन है तो इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के, ठीक है। अब आइए पोजिशन वेक्टर ऑफ बी लिखिए, बी में क्या है देखो यहाँ जीरो है तो आई नहीं होगा, यहाँ कितना होगा माइनस जे, यहाँ हो जाएगा माइनस के, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस जे, ये हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ लिखो पोजिशन वेक्टर ऑफ कौन सा सी,
यहाँ 3i प्लस कितना 9j अब प्लस कितना 4k, राइट। अब यहाँ लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना होगा, माइनस 4i प्लस कितना 4j और प्लस कितना 4k, राइट। अब हमें क्या चाहिए, ए बी वेक्टर। तो पहले हम यहाँ से ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्या, पी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये आप लोग खुद से लिख देते हैं, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन में सिखा चुके हैं, ठीक है। बी का क्या है, यहाँ पर माइनस जे माइनस के, ए को माइनस करना है तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4i माइनस 5j और माइनस k। तो i वाला तो नहीं है, तो यहाँ था माइनस 4i रहेगा, माइनस j माइनस 5k, तो माइनस 6k, सॉरी माइनस 6j, यहाँ पर माइनस k माइनस k, तो माइनस 2k। ये क्या निकला हमारा, ए बी वेक्टर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग ए सी वेक्टर, सी में से ए को माइनस करेंगे, तो सी कौन सा है, 3i प्लस कितना 9j और प्लस कितना 4k, ए को माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस 4i माइनस 5j और माइनस के। 3i में से 4i गया कितना बचा, माइनस आई, 9j और माइनस 5j कितना हो जाएगा 4j, 4k में से 1k गया कितना बचा, प्लस 3k। ये निकला हमारे पास कितना, ए सी वैक्टर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए डी वैक्टर। तो डी में से ए को घटाएंगे, तो डी ये है माइनस 4i प्लस कितना 4j और प्लस कितना इधर से 4k, माइनस ए करेंगे, ये वाला माइनस हो जाएगा कितना 4i माइनस कितना 5j और माइनस इधर से कितना k, तो माइनस 4i माइनस 4i, तो माइनस 8i माइनस 4j और माइनस 5j, सॉरी प्लस 4j माइनस 5j, तो माइनस j 4k और माइनस k कितना हो जाएगा, प्लस 3k। ये निकला हमारा कितना, ए डी वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या है, ए बी ए सी और ए डी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी ए सी और ए डी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। ए बी में क्या क्या है, कहाँ गया ए बी, माइनस फोर, ध्यान से देखो, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2। ए सी में कितना है, ए सी यहाँ माइनस 1 4 3 माइनस 1 4 और इधर से 3, उसके बाद माइनस 8 माइनस 1 और 3, माइनस 8 माइनस 1 और इधर से 3, ठीक है। माइनस 4 लेंगे तो 4 को 3 से करोगे तो 12 हो जाएगा, बीच में माइनस इधर कितना प्लस 3, उसके बाद माइनस लेते हैं, ये वाला टर्म लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6, सामने वाली को छोड़िए तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस 1 इंटू 3 कितना माइनस 3, बीच में माइनस होता है, माइनस 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 24, तो माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। माइनस 2 लेंगे इधर तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा माइनस माइनस प्लस 1, अब बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस 8 को 4 से करोगे तो माइनस 32, तो माइनस माइनस प्लस 32 यानी 32, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा माइनस 4, इधर से कितना हो जाएगा 15 प्लस 6, यहाँ पर है 24 में से 3 गया तो यहाँ 21 बचेगा, माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 33, ये कितना माइनस 60 प्लस 126 हो जाएगा, और यहाँ पर 66 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 6 6 12 माइनस, तो प्लस 126, दोनों कट के जीरो हो गया। ये क्या निकला हमारा, ए बी वेक्टर, उसके बाद ए सी, उसके बाद कौन सा ए डी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर क्या, को प्लानर, तो यहां पर लिखेंगे हेंस, हेंस गिवन पॉइंट्स आर को प्लानर, यही प्रूव्ड करना था, क्लियर है, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द, सॉरी 5 नहीं 15 नंबर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन आर कोप्लेनर। हमें क्या कर रहा है, चार पॉइंट दिया हुआ है और ये चारों पॉइंट क्या होगा, कोप्लेनर होगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है।
तो फिर से क्या किया, यहाँ पर ये पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ। क्या बारिश हो रहा है क्या यार, बारिश बहुत हो रही है। क्या है, पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, पोजिशन वेक्टर। तो आ जाओ, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हो गया इसको, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए कितना, 3, 2, 1 है ए के साथ, तो इसमें आई, इसमें जे, इसमें के से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस नहीं है तो सब प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3i प्लस कितना 2j, प्लस कितना है 1 है, तो k से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आ जाओ पोजिशन वेक्टर ऑफ b, b का पोजिशन वेक्टर क्या है, 4λ, 4, λ+5, तो पहले में 4 आ, यहाँ आ जाएगा प्लस लेमडा जे प्लस 5j, ठीक है। 4i प्लस लेमडा जे प्लस कितना इधर 5k, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, सी का पोजिशन वेक्टर, तो पॉइंट कितना, यहाँ 4, 2, -2, तो 4i + 2j, हाँ बोलो बोलो, हाँ 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 बोलो, पीछे वाला क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस अगर माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2k लास्ट, पहले वाले में i से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में के साथ j लगा दो, तीसरे वाले के साथ k लगा दो, सिंपल है। कितना हो जाएगा, 4i + 2j - 2k, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी कितना हो जाएगा, 6i + कितना 5j और माइनस कितना इधर से k, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर से ए बी वेक्टर, बी में से ए को हटाएंगे, ठीक है। तो पहले 4 इसको लिखे बी का वैल्यू, तो 4i + λj और प्लस कितना इधर 5k, ए को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 3i - 2j और माइनस कितना k, 4i में से 3 आ गया तो i बचा, λj और -2j तो प्लस कितना, λ - 2i * कितना इधर j, 5k में से k गया, कितना बचेगा इधर से 4k, ये क्या निकला हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है। अब निकालेंगे कितना, ए सी वेक्टर, तो सी में से ए को घटाएंगे, तो इसको में से इसको घटाओ, तो ये सी कितना है, 4i + कितना 2j - 2k, माइनस ए को, तो यहाँ हो जाएगा -3i - 2j और -k, कितना होगा बोलो, 4i में से 3 आ गया तो कितना i बचा, -2 + 2j - 2j कट गया, 2k में से -k गया तो -3k, ये क्या निकला हमारा, ए सी वैक्टर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इधर, ए डी वैक्टर, ए डी वैक्टर d में से a को माइनस करना है, d कितना है 6i + कितना इधर 5j और माइनस कितना इधर के, ये 5 है, माइनस कितना 3i - 2j और माइनस कितना इधर के, तो 6i में से 3i गया तो कितना बचेगा, प्लस 3i, 5j में से 2j गया तो प्लस कितना 3j, माइनस के तो -2k, ये निकला हमारे पास ए डी वैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये कोप्लेनर है, तो ए बी और ए सी और ए डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा, 0। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बी ए सी और कौन सा ए डी बराबर में इधर 0, ठीक है। ए बी में क्या हो जाएगा, 4λ, सॉरी यहाँ यहाँ ए बी यहाँ है ना, तो आई के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1, उसके बाद जे वाला λ - 2, तो यहाँ λ - 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा इधर से 4, ए सी तो 1, जे नहीं है तो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ 0 और यहाँ -3, ए डी 3, 3 - 2, तो 3, 3 - 2, 1 लेंगे सामने वाले को छोड़िए ऐसे, तो 0, बीच में 3 * -3 कितना हो जाएगा -9, अरे -3 - 9 होगा, बीच में माइनस होता है -9, अब यहाँ -λ - 2 लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -2, बीच में माइनस होता है 3 * -3 तो -9, और -9 कितना इधर से +9, ठीक है। +4 लेंगे ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, 1 * 3 कितना आ जाएगा 3, उसके बाद 3 * 0 कितना हो जाएगा -0 और बराबर इधर 0, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा +9, यहाँ पर -λ - 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, अब +4 * इधर कितना 3 और बराबर 0, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर 9 अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे
कितना हो जाएगा, माइनस इधर तो रहने दो 7 लैम्डा और माइनस 14 हो जाएगा, और प्लस इधर कितना 12 बराबर 0, ठीक है। 9 प्लस 12 कितना 21, ब्रैकेट का हो गया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कितना माइनस हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इधर से कितना हो जाएगा, इधर देखो देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 24, ठीक है। 4 एक 5 और 2 एक 3 माइनस 7 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। तो माइनस 7 लैम्डा, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस 35, ये कट गया, कितना बचेगा 5, माइनस माइनस भी कट गया तो लैम्डा का वैल्यू निकला प्लस 5, ये रहा हमारा लैम्डा का वैल्यू, क्लियर है। एक बार आंसर मिला लेते हैं, ठीक है आंसर, ठीक है ना। चलो बच्चों आशा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपका ये चैप्टर था 25 का ये भी आपका खत्म हो गया है, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो।